नीट एग्जाम में सिर्फ 45 दिन रह गए हैं और इस आखिरी के 45 दिन में आप कितनी मेहनत करते हैं वो इम्पोर्टेंट तो है ही, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है, आप कितनी स्मार्टली पढ़ रहे हैं वो भी उतना ही जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी 300, 400, 450 नंबर ला रहे हैं और उनका स्कोर स्टक हो गया है, इंप्रूव नहीं कर रहा मार्क्स, और कैसे अगले 45 दिन में वो इस मार्क्स को बढ़ा के 620, 630, 640 नंबर तक ला के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज इंश्योर कर पाए और एक और साल वेस्ट करने से बचा पाए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक शिकायत है मेरी यार तुम सबसे, तुम लोग सब में से 53% बच्चे ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं पर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। पाप लगेगा बेटा, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। हम बहुत जल्दी 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं। खैर, वीडियो पे आते हैं और समझते हैं कि आपका अभी सिचुएशन क्या है। सबसे पहले सवाल का जवाब मुझे ये दो कि तुमने अभी कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट कर लिया। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अगर 300 से ऊपर ला रहे हैं तो एटलीस्ट 60-70% तो सिलेबस तुमने कंप्लीट किया ही होगा। ठीक है, 70% सिलेबस कंप्लीट किया विद 70% एक्यूरेसी, है ना? तो ग्रेटर देन 70% मैं एज्यूम कर रहा हूं आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा विद ग्रेटर देन 70% एक्यूरेसी। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा और रिवीजन देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं दोनों कोहर्ट में आपको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आप इन तीन कैटेगरी में आ रहे होंगे। पहला कि आप 300 से कम नंबर स्कोर करेंगे। बेटा, अगर आप 300 से कम नंबर स्कोर कर रहे हो और अगर आपका सिलेबस 50% कंप्लीट नहीं है तो आपको जो कल मैंने वीडियो बनाया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वो वीडियो देखना चाहिए और आप 550 नंबर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप 300 से 450 नंबर पे हैं मतलब आपका सिलेबस लगभग 70-80% कंप्लीटेड होगा और आपको प्रैक्टिस की और जरूरत है। और अगर आप 450 प्लस पे हैं तो मतलब आपने ठीक ठाक तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपको और ज्यादा रिगरस प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट की जरूरत है। और ये सब कैटेगरी वाले एटलीस्ट अगले 45 दिन में 200 प्लस मार्क्स बढ़ा पाएंगे इस वीडियो की मदद से। तो आगे के स्टेप में आपको क्या करना है, हमको उस पे बात करना है। सबसे पहला स्टेप, आप सबको एक सिलेबस ट्रैकर बनाना है। क्या होता है सर सिलेबस ट्रैकर? इससे पता चल जाएगा कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है और कितना आपका बचा हुआ है पढ़ने के लिए। ठीक है, इस सिलेबस ट्रैकर के हिसाब से अभी आपके पास लगभग 20 दिन बचा हुआ है पूरा महीना खत्म होने में। तो मतलब बाय 31 मार्च आप जितना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं उतना कंप्लीट कीजिए। 31 मार्च के बाद आप कुछ नया मत पढ़िएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। मैं क्यों बताता हूं उसका भी कारण। ठीक है, तो 31 मार्च तक आपने जो कुछ भी पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। ठीक है सर, इससे मेरा मेजॉरिटी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ है, और अगर कंप्लीट हुआ है तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो सिलेबस ट्रैकर बनाइए, देखिए आपका क्या क्या टॉपिक बच गया और फोकस कीजिए कैसे हम उन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी खत्म करें। फिर दूसरा बात आएगा इसकी सिलेबस कंप्लीशन के बाद सर रिवीजन। ठीक है, अब बहुत लोग आपको सिखाते होंगे आपको एनसीईआरटी को 10 बार रगड़ लेना चाहिए, एनसीईआरटी को 50 बार पढ़ लेना चाहिए। मैंने अपने जिंदगी में एक बार पढ़ी हुई चीज को दोबारा नहीं पढ़ा, आई ऑलवेज रिवर्स इंजीनियर दैट। और मैं जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैंने नीट एग्जाम भी फोड़ा ठीक से अच्छे नंबर से, पीजी में भी अच्छे नंबर किए, सब कुछ अच्छे से किया, तो ये फॉर्मूला काम करता है और सभी टॉपर से पूछोगे सब इसी तरह से स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं। तो आपको रिवीजन में थ्योरी को नहीं पढ़ना। अच्छा सर, तो मेरा रिवीजन कैसे होगा? तो रिवीजन और प्रैक्टिस मेरे लिए सेम चीज होता है ना, आपके लिए भी सेम होना चाहिए। कैसे, मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, तो तीसरा स्टेप जो आपका आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मैं रिवीजन का भी पार्ट मानता हूं, उसको मैं कहता हूं प्रैक्टिस। ठीक है, कैसे करना है सर प्रैक्टिस? तो सबसे पहले आपने लेट्स से सिलेबस ट्रैकर बनाया, अब आपका जो टॉपिक कंप्लीट हुआ हुआ है, लेट्स से मैंने लिविंग वर्ल्ड का व्हाट इज लिविंग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसी किताब देखूंगा एमसीक्यू का
जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन देता है, और ये नहीं है कि ऐसे अनशंड क्वेश्चन और टॉपिक वाइज रेलेवेंट क्वेश्चन देता है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बिटवीन लाइन से हो सकता है, ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग हो सकता है, ये क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस हो सकता है, असर्शन रीजन बेस हो सकता है, हर तरह का क्वेश्चन का बंडल बना हो एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखा, उसके बाद अब आप इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन से रिवर्स इंजीनियर करके थ्योरी पढ़िए, कि मतलब मैंने देखा कि अच्छा टॉपिक नंबर वन था जिसमें 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 के 10 सही कर लिए, तो क्या मुझे उस टॉपिक को पढ़ना है? नहीं सर, आपको उस टॉपिक को नहीं पढ़ना, वो टॉपिक आपका हो गया। बट वही टॉपिक नंबर थ्री था जिसमें मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन सही किए 10 में, तो क्या मैं उस सब टॉपिक को पढ़ूंगा? हाँ जी, आपको उस सब टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कार्डियक साइकिल के मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, बाकी सब सही है, तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कार्डियक साइकिल पढ़ूंगा। यही कहते हैं तुम्हारा डायग्नोसिस। तो ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ये तुम्हारा डायग्नोसिस कराएगा कि हाँ भैया कि तुम्हारी क्या गलती है। तो पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन के हेल्प से पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है? अच्छा, कर लिया। इसके बाद आपको इस चैप्टर के पीवाईक्यू, अभी टाइम उतना है नहीं तो लास्ट 10 ईयर्स कर लीजिए, अगर आपने पहले पीवाईक्यू किया है तो नथिंग लाइक इट, और इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिएगा। एग्जाम्पलर में जो आउट ऑफ सिलेबस भी हो गया आप जो क्वेश्चन एग्जाम्पलर का, वो क्वेश्चन भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो जब आप ये कीजिएगा तो इससे आपका एक बार और रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जहां पे आपने एक बार टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया तो आपका रिवीजन हो गया, दूसरी बार पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर किया तो आपको फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक का पता चल गया। जिस टॉपिक पे आपको ज्यादा वेटेज देना है, जिस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उन टॉपिक्स को आपने एक बार रिविजिट कर दिया बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, ठीक है? अब बारी आएगी मेरी, क्या अब बारी आएगी मेरी टेस्ट देने की, कि मैं भाई इस चैप्टर में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। तो तीसरा बार आप क्या करेंगे, आप एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे। क्या देंगे? चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है? दे दिया आपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। अगर इस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में आपने 80% से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, मतलब आपका ये चैप्टर डन हो गया, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। और इसी तरह से आपको सब चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है? अब जो भी गलतियां कर रहे हो, जो भी टॉपिक सब टॉपिक को आप रिविजिट कर रहे हो, उन सबको एक नोटबुक में डालो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक, ठीक है सर? इन सबको आप डाल दो नोटबुक में, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक, ठीक है? क्या सर ये रोज करना है? नहीं, ये क्या करना है तुमको, अब ये वाला पार्ट तुमको कब फॉलो करना है, ये वाला पार्ट तुमको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ये तुमको करना है मंडे, ये तुमको करना है ट्यूजडे, ये तुमको करना है फ्राइडे, और ये तुमको करना है सैटरडे, ठीक है? 4 दिन आप ये करेंगे, और दिन के एटलीस्ट आई होप कि तुम एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी का चैप्टर तो निकाल ही लोगे, हाँ या नहीं? एक फिजिक्स का चैप्टर, एक केमिस्ट्री का चैप्टर, एक बायोलॉजी का चैप्टर, तो 3 स्लॉट बनाओ और ये तीनों स्लॉट में तुम काम करो, ठीक है? तो जब तुमने फिजिक्स का टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया, बायोलॉजी का टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया, तो इन तीनों का चैप्टर वाइज टेस्ट एक साथ दे दो, तो टेक्निकली तुम एक मॉक टेस्ट दे रहे होगे, ठीक है सर? इन तीनों का चैप्टर वाइज टेस्ट एक साथ दे लो तो टेक्निकली तुम क्या होगा, इसका मॉक टेस्ट दे रहे होगे, ठीक है? तो इससे तुमको नंबर पता चलते रहेगा। अब क्या है, तुमको ये फोकस नहीं देखना कि मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, ये ध्यान रखना कि आपके हर टेस्ट में क्या नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं, हर टेस्ट में आपके नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं, ये आपको ध्यान में देना है, ठीक है? तो मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे आपने ये काम कर लिया, जहां पे आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, ठीक है? अच्छा, वेडनेसडे और फ्राइडे क्या करेंगे आप, हर वेडनेसडे और संडे, सॉरी, आप क्या है, आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, ठीक है? और ये फुल सिलेबस टेस्ट से भी आप एनालिसिस करेंगे
कि आपके कौन कौन से टॉपिक वीक हैं। तो पहले आप उन टॉपिक को अपने टॉपिक वाइज टेस्ट में फॉलो करेंगे। तो जो आपके टॉपिक वीक हैं उस टॉपिक वीक पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। और संडे जो आपने टेस्ट दिया उसके बाद संडे को आपको बैठ के जो आपने पूरे वीक मिस्टेक नोटबुक बनाया उस मिस्टेक नोटबुक का रिवीजन करेंगे। इस तरह से अगर तुम पूरा अपना कंप्लीट कर लेते हो सिलेबस और मॉक टेस्ट देते रहते हो तो तुम्हारा जो कमाल होने वाला है ना बेटा, तुम अपने मार्क्स खुद देखोगे और बोलोगे सर 45 दिन में आपने चमत्कार करा दिया। आई हैव ट्राइड दिस इन ऑल एग्जाम्स दैट आई हैव क्रैक। माई स्टूडेंट्स हु हैव डन वेल इन एग्जाम, उन्होंने भी यही सेम फंडा फॉलो किया। अब तुम्हारा सवाल आएगा कि सर कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो देखो बेटा, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई अच्छी किताब है, कोई प्रैक्टिस बुक है जहां पे आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिला हुआ है, अच्छी किताब है और सब तरह के क्वेश्चन है, जैसे असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड, डायरेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, तो अच्छी बात है, आप वो कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का एक सोर्स चाहिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का आपको एक सोर्स चाहिए। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। आप जाइए मेरा वेबसाइट या ऐप है जिसका नाम है fundabox.in, ठीक है, यहां पे चले जाइएगा। अब आपको यहां पे तीन किताबें दिख रही होंगी, यहां पे जब कॉम्बो पे ऐसे क्लिक करो, यहां पे कॉम्बो पे ऐसे क्लिक करो, यहां पे कॉम्बो पे ऐसे क्लिक करो, काफी पीछे हो गया। यहां पे आपको तीन किताबें दिख रही हैं। क्या दिख रहा है सर? आपको दिख रहा है नीट बायोलॉजी के 10,000 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 5,000 क्वेश्चन और फिजिक्स के 5,000 क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको क्या मिलता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहा है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, PYQ एग्जाम्पलर मिल रहा है, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किताब ले जाना भूल गए, तो आप ऐप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आपको 10 फ्री मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। तो टेक्निकली आपके 20,000 क्वेश्चन का जुगाड़ होगा। अगर ये 20,000 क्वेश्चन तुम कर लेते हो ना भाई, तुम्हारे 650 नंबर कोई नहीं रोक सकता। प्लस हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, तो तुम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट तुम ऑटोमेटिकली वीडियो सॉल्यूशन से सॉल्व कर लोगे। और ये तीनों किताब आपके घर पे कुरियर कराया जाता है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में। तो आपको बाय नाउ करना है और इस बुक को परचेज कर लेना है, 2 से 3 दिन तक आपके घर पे ये पहुंच जाएगी। तो टेक्निकली तुम्हारे पास 20,000 क्वेश्चन है प्लस 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर सिर्फ 10 मॉक टेस्ट है तो काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए बेटा हमने आपके लिए 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और बनाया विथ सॉल्यूशन विथ OMR शीट, जिसको आप एग्जाम की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको अगले महीने देने चाहिए, मतलब अप्रैल के महीने में 10 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने चाहिए और इस महीने 10 मॉक टेस्ट और क्वेश्चन बैंक आपको पूरा सॉल्व करना चाहिए। तो ये मॉक टेस्ट भी आपको 499 पे फंडा बॉक्स में मिल जाएगा। इन चारों किताब को खरीद लीजिए, इन चारों किताब की मदद से प्रैक्टिस कीजिए और नीट एग्जाम तुम गारंटीड फोड़ के आओगे। गारंटीड मतलब तुम्हें एग्जाम में सारे देखे हुए क्वेश्चन ही नजर आएंगे, ये मेरे दावा है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रैक्टिस बुक है तो आप उस प्रैक्टिस बुक से भी पढ़ सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। कुछ नहीं तो 2 चैप्टर मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ के देखो और देखो तुम्हारे मार्क्स मॉक टेस्ट में कितने इंप्रूव करते हैं। बेटा थ्योरी पढ़ने से किसी का भला नहीं हुआ, ना तुम्हारे कॉन्सेप्ट इंप्रूव होते हैं थ्योरी पढ़ने से। जब भी काम आएगा प्रैक्टिस करना ही आएगा, है ना। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ समझ कुछ नहीं आएगा, सवाल सारे बन जाएंगे आपके अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हो और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो 20,000 क्वेश्चन अगले 40 दिन में सॉल्व करने का, तो आपको मैं दावा देता हूं कि आप नीट एग्जाम फोड़ के आएंगे और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने लिए सीट भी करवा लेंगे। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।